क्या नाम हुआ चाचा? नहीं नहीं नहीं, आधार कार्ड देखिए, वोटर लिस्ट देखिए। नहीं चो नहीं देगा पैसा ना रे माधर, चो तो नहीं देगा वोट के रे। आधार कार्ड दिखाइए आपका, क्या नाम हुआ? इनका नाम हुआ रामेश्वर मांझी। सामने से आप हट जाइए। सुनिए सुनिए सुनिए, ए चाचा क्या समस्या आपको? हमको घर भूटा है मान ली। घर नहीं है, नहीं घर नहीं है। मुखिया जी के पास गेलो? कौन मुखिया है? राजेश मिस्त्री का। और लकड़ी बेचाओ की आता है गांव में, दारू पीता है सीधा चल देता है। मुखिया दारू पीता है? हाँ। दारू तो फ्री आम दे ले जी, सरकार बंद कर ले जी। आए ऐसा कौन जी कर रहा है? सरकार फ्री दे ले जी, दे देखा थी बूढ़ा पिलसिना ले रहा पेंशन तो ना, विधवा ही तो विधवो के ना कुछ ना में कोई ये पाइप है सात निश्चय वाला, ये तो भोपू है जी। अरे मैं बोलती तो इधर बोलता है निकलता है। हाँ नल जल है, दो तीन साल हो गया है अभी बैठा नहीं। मतलब राजेश मिस्त्री को नहीं मुतला बात देना, पिता जा तो बढ़िया से आप पिता जा तो पीट दीजिएगा। हाँ अब मुखिया जी वोट मांगावे तो का करल जाए? और जूता चढ़ावल जाएगा। खुद हम कहे थी मार भी चप्पल हजार पैसा बाकी है, और 5,000 रुपया ले लिया और आज तक इंदिरा आवास नहीं दिया। इंदिरा आवास के पैसा ले लिया आपसे? ले लिया। हाँ आपको पेंशन नहीं मिलता है? नहीं। मुखिया जी के पास गए कभी? 2-3 बार गए ना। तो का कहा खून हमारा का तो मारिए नहीं का तो ब्याह करबे बेटा मारिए गेले तब फिर ब्याह करबे। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम आ पहुंचे हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के पनहर पंचायत के रसुल्ली बिघा गांव में, और यहां पे पिछले 5 वर्षों में मुखिया जी क्या क्या काम किए हैं हम इससे आपको रूबरू करवाएंगे। यहां के कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे, यहां के कुछ जनता से बात करेंगे कि यहां पे पिछले 5 वर्षों में क्या काम हुआ। हमारे पीछे आप देख सकते होंगे कि विकास का गंगा पनहर पंचायत के रसुल्ली बिघा में बह रहा है कि नहीं बह रहा है। हमारे साथ एक चाचा हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं कि मुखिया जी से कितना खुश हैं। सबसे पहले बताइएगा चाचा कि आपका नाम क्या हुआ? नाम से कोई मतलब, हमारा इनरदेव बिंद नाम है। इनरदेव बिंद नाम हुआ आपका? हाँ। उधर देखिए ना कैमरा में, कैमरा देख रहे हैं। एक बताओ कि 10 साल से उसको जिता रहे थे ने कोऑपरेटिव बैंक, हम लोग गृहस्थ आदमी हैं, एक बोरा खाद मांगने गए से नहीं हुआ। हाँ और काका की 5 वर्ष में राजेश मिस्त्री जी के पत्नी अभी मुखिया? दस साल। अच्छा हाँ 10 साल। कुछ नहीं कर पाया, कर पाया देखो ना सामने देख लीजिए क्या हुआ है नहीं हुआ है, देख लीजिए सामने आँख के सामने देख लीजिए। कोई विकास के काम यहाँ नहीं हुआ अभी इतने नहीं, और आगे बढ़ के देख लीजिए नहीं नली नहीं गली का कौन नतीजा में हम लोग रह रहे हैं उसका मुखिया देखने का चीज़ है। अच्छा आप यही गाँव के निवासी? हाँ आपका नाम क्या? मेरा नाम हुआ अजय कुमार। जैसे कि अजय जी एक बात बताइए, 5 वर्ष खत्म हो गया ठीक है, यहाँ पे योजना में जैसे हमको बनाया। अच्छा चाचा बोलिएगा आपका गुस्सा जाए। जैसे कि 5 वर्ष में नल जल हो गया, सात निश्चय योजना हो गया, नली गली निर्माण हो गया, क्या क्या काम किए मुखिया? कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। चल के देख लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए। वही करना है चाचा, आप बहुत गुस्सा में, कहे इतना गुस्सा है मुखिया? माधर चौधरी 2 बार वोट दिए हैं, बहन चौधरी 2 बार जिताया थी ने, सही बात है। आज बोलता है फेस ने, आज हम लोग गृह से खाद मांगने गए थे मार के तो खाद नहीं दिया, मुखिया भी वही समझो वो कमजोर हमने पाती नहीं है। अच्छा अभी मुखिया जी वोट मांगे आते हैं तो क्या कीजिएगा? हम लोग सामान आकर उसको देंगे, सामान आकर उसको देंगे। मतलब राजेश मिस्त्री को नहीं मुतला बात देना, पिता आ जा तो बढ़िया से आप पिता आ जा तो पीट दीजिएगा। हाँ वही काम ना हुआ है उससे फिर नहीं काम तो कहें कि जबकि हम लोग गिरहा साथ में काजय कुमार जी। हाँ, अजय की बहन चौधरी हम लोग को 10 बोरा हर दवा 10 बोरा खा देता था, ऐसे माधव जी खा लगे पैरवी करने के लिए से कहा कि नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा और भी बढ़ के थोड़ा। चलिए ना आपसे हम वार्तालाप करते रहेंगे और चलते हैं और पूरे गाँव का हम आपको दृश्य दिखाएंगे कि इस गाँव में क्या क्या हुआ है। ये पनहर पंचायत के रसुल्ली बिघा गांव है और रसुल्ली बिघा गांव में आज हम देख रहे हैं कि विकास कहां तक हुआ है, मुखिया जी पिछले 5 वर्षों में क्या क्या काम किए हैं। देखिए गांव के बहुत सारे लोग हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में मुखिया जी का काम किया। देखिए एक भैया है बच्चा खिला रहे हैं। भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? सुबोध कुमार नाम हुआ। यही गाँव में घर हो? हाँ यहाँ ही घर है। जैसे कि मुखिया जी 5 साल ख़त्म हो गया, पिंकी देवी जी आपकी मुखिया थी हैं, राजेश मिस्त्री की वाइफ हुई, काका काम किया 5 साल में? 5 साल में उधर में ढलाइया किया हुआ है। और ये जैसे कि क्या बोलते हैं कि आने जाने में बहुत दिक्कत है, नल जल के पानी नहीं आता है? नहीं आता है? नहीं आता, खाली पाइप बिछा कर छोड़ दिया बस, पानी नहीं आता है? नहीं पाइप भी टूट गया, साड़ उड़ के सब खत्म हो गया, पानी नहीं आया एक दिन भी नहीं। अच्छा कभी मुखिया जी मिलने उलने आते हैं आप लोग से? नहीं आता हमको मिलने। किधर आप चलने के लिए बोल रहे थे अजय जी, किधर चलना है बताइए? ऐसे घूम जाइए, देख लीजिए। हाँ देखिए नाली का दशा है,
जैसे कि ये मतलब कि गांव में एंट्री का ये रास्ता है ना, कहाँ जा रहे हैं चाचा? जा रहे हैं बाजार। एक सेकंड रुकिए ना, आपसे कुछ बात करेंगे। यही गांव के निवासी हुए ना? नहीं हम अच्छा आप ये गांव के हैं? आप हैं इस गांव के? मुखिया जी पिछले 5 वर्षों में क्या क्या काम किया आपके गाँव में? नल जल के खाली पाइप खोल करके जहाँ तहाँ बैठ गया है, उसमें टोटी लगा नहीं, पानी आया नहीं रहा है। सब चलिए कल पर देखे, शाम के पूरा दिन में सवेरे भीड़ रहता है। एक वो कल है, दूठो है, हाथिया कल है, उसी में पूरा गांव पानी पीता है। पानी कल पर कहे पानी पीता? नल जल नहीं है सर, चलिए देखिए, चलिए देखा था। नल जल नल जल नहीं चलता है? नहीं सर, देखिए नली गली है, हर एक मतलब की पंचायत के हर एक वार्ड में नली गली और नल जल का काम होना था, लेकिन यहाँ पे काम नहीं हुआ है। पूरा गांव का हम दृश्य दिखाएंगे, पिछले 5 वर्षों में यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है। कुछ माताए बहने हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार राजेश मिस्त्री जी जो कि उनकी पत्नी यहाँ से मुखियाइन हैं, वो क्या क्या काम किए हैं पिछले 5 वर्षों में। कुछ युवा भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम हुआ आप? शंभू। शंभू यहीं के निवासी हैं? हाँ। मुखिया जी क्या क्या काम करके 5 साल में? 5 साल में क्या यही ढलैया करवाए हैं और नली तो इधर बनवे नहीं किया। अरे यही ना किया। हाँ और इसका बाद में क्या हुआ है? और ऐसा भी उनको एक चमचा है रामू कि 5,000 रुपया ले लिया और आज तक इंदिरा आवास नहीं दिया। इंदिरा आवास के पैसा ले लिया आपसे? ले लिया। हाँ इंदिरा आवास भी नहीं दिया? नहीं दिया। तब मुखिया जी तो नहीं गए थे? मुखिया तो गए थे, वो बोला कि आएगा। मुखिया जी बोला कि लाइन में लगा हुआ आएगा। मतलब कि कॉल नहीं आएगा, आप रुकल रहिए। हाँ 5,000 के लो धोखड़ी से खत्म। हाँ कॉल नहीं होना मिल लो? नहीं अभी तक नहीं मिला। तो वीडियो साहब तो ना गलत केस करे? नहीं गए। आप लोग वीडियो साहब को पहचानते हैं? वीडियो साहब पहुँचे नहीं है। पहुँचे नहीं हम लोग का है तो देखले नहीं है। अरे हमको काम दे दिया था करवाने के लिए, 10 को इकट्ठा लेबर किए और काम करवाते थे, लेबर के पैसा देता था। बस वही है। मतलब आपसे धोखाधड़ी कर गए मुखिया जी? हाँ मुखिया जी नहीं, उसको चमचा लिया, उसका चमचा लिया। अच्छा मुखिया जी नहीं लिया? मुखिया जी के हाथ में। देखिए कुछ और है, एक युवा है। भैया क्या करते हैं आप? हम तो काम धाम करते हैं, मट्टी करते हैं। गांव के निवासी हैं? हाँ यही गांव के निवासी। तब मुखिया जी आप लोग के लिए पिछले 5 वर्षों में काका काम किए? अरे ये थोड़ा सा ढलाइया किया है। हाँ। और इधर के यहाँ पश्चिम मूलभूत जो सुविधा होता है, नल जल योजना हो गया, नली गली बनाना हो गया, और जैसे कि वृद्धाओं का पेंशन हो गया, कॉलोनी हो गया, ये सब काम हुआ है कि नहीं? अच्छा देख नहीं अगर आप ही आ रहे हैं तो देख नहीं रहे हैं कि थोड़ा सा कितना बना हुआ है। जो इधर देखिए आप आ रहे हैं, अगर सही रहता तो गाड़ी नहीं चलाता। हम गाड़ी सड़क पे लगा करके आए हैं क्योंकि गाड़ी एंट्री का यहाँ पे व्यवस्था नहीं था। कुछ माताएं बहने हम इनसे भी वार्तालाप करेंगे कि इनका क्या शिकायत है। दादी क्या नाम हुआ आपका? कहला। अरे क्या नाम हुआ? आपको कुछ करेंगे नहीं, आपसे बस पूछेंगे कि पिछले 5 वर्षों में क्या क्या काम किए मुखिया जी। क्या नाम हुआ आपका? भगवती देवी। भगवती देवी हैं? इसी गाँव के निवासी हैं? हाँ। मुखिया जी काका दिया आपको 5 साल में? हाँ हमारा कुछ न दिला के मुखिया तो खिया उन्हें। हाँ हमारा कुछ न दिला के जी। कौची मांगा मुखिया जी? कौची ना मांगा ले, सबके घर उठा दे के हमारा कौची उठा दिल गई। अथी कोलनी नहीं मिल ना हमारा तो अबल काट के उन्हें ले गए। पेंशन एसो से बना ले, 3 साल से बना है पेंशन। हाँ यहाँ गांव में स्कूल है पढ़ने के लिए? है ना, उका आंगनबाड़ी है, एगो स्कूल है। हाँ एगो स्कूल है। क्या बोल रहे हैं दादी? हमारा कौची बोले का शिकायत था मुखिया जी से? शिकायत मुखिया जी के कौची यही नहीं दिया है, कमाल पैसा भी नहीं दिया। क्या नाम हुआ आपका? अरुण बिन। अरुण बिन कौची काम कैलो मुखिया जी इधर पैसा ढलाइया? हाँ पैसा मांगे नहीं जाते? जा ही मांगे तो कोलियां मिलते, राशन मिलते, तेल मिलते, कोची कुछ ना कुछ ना मिल रहा है कोई के ना। आप क्या करते हैं? काम कर रही आओ डेली मतलब कि काम करते हैं और खाते हैं बस। मिस्त्री वाला काम? मिस्त्री वाला काम है। नल जल का काम हुआ है गांव में? काने पानी चालू है, पाइपो दिखा दिया। चलिए चलिए दिखाइए तो जरा, आइए जी हमारे साथ पीछे। गाँव में ढलैया हुआ है लेकिन यहाँ पे नल जल का काम नहीं हुआ है। ये शौचालय है, ये शौचालय है ना जी? 12,000 रुपया निकल गया है। अब इसमें शौचालय का स्थिति क्या है? अब इसमें शौच कोई कैसे करेगा? ये मुखिया जी के पंचायत का हाल है रसूली बीघा गांव का। अब इसमें न सीट है, न नल जल के लिए टोटी है,
तो पैखाना में कहाँ बैठेगा आदमी? कुछ नहीं है सर, देखिए ना 12,000 रुपया निकाल गया। 12,000 रुपया क्या बोला? हम लोग के चार बाथरूम का पैसा निकाल ले मुखिया, लेकिन हम लोग के कॉलोनी नहीं अति नहीं बाथरूम बना। राजेश जी को बोल रहे हैं? हाँ राजेश जी को बोल रहे हैं, हम लोग के बाथरूम के पैसा निकाल लिया और बाथरूम नहीं बना, हम लोग के मॉक बेड कहाँ जाएगा? हैं आप लोग महादलित टोला? हम प्योर हम लोग महादलित टोला हैं, हरजन जाति का लोग हैं, कुछ नहीं समझता है मुखिया। मुखिया जी के पास नहीं जाते कभी शिकायत? जाते हैं तो कहता कि हाँ बनेगा बनेगा, आप कब बनेगा? हम लोग मर जाएंगे तब बनेगा? 5 साल खत्म, 5 साल खत्म हो गया, आप कब बनेगा? मतलब कि मुखिया का बदलना? हाँ बदल देना है मुखिया के। काहे अभी मतलब कि बदलने का प्लान बनाया? बनाए कि हम लोग का कोई देखता नहीं है मुखिया, दो दो बार उसको जिताया, हम लोग के कभी नहीं देखा कि हाँ हरजन मरता है कि जीता है कि का होता है, आता है गांव में दारू पीता है सीधा चल देता है मुखिया, दारू पीता है? हाँ देखिए हम लोग के का नतीजा है कि हम लोग के निकलने का रास्ता नहीं, दो गो रास्ता है, वही है एक पश्चिम साइड में हम लोग के रास्ता, गांव के पानी हमारा गांव में रह रहा है, गांव के पानी हम लोग बाहर नहीं निकल रहा है। चाचा एक बात बताएं, जैसे कि यहाँ मिला होती दारू तो ना पिया? यहाँ भी मिलता है साहब, बाहर से भी लोग आ जाता है ना, बाहर ही मिलता है दारू, गांव में मिलता है मिलवे करता बाहर। नीतीश कुमार बोलते हैं दारू बंदी है, दारू कहाँ बंद है और दारू तेज है, होम डिलीवरी है? हाँ डिलीवरी तो दारू तो तेज है। आए जी कहाँ से खा रहे थे पाइप आप? ए भैया देख आए कहा बोल रहे चाची, दारू तो फ्री आम दे ले जी, सरकार बंद कर ले जी, आए ऐसा कोची कर रहा है, सरकार फ्री दे ले जी, दे देखा थी बूढ़ा पेंशन ना रहा, पेंशन तो ना विधवा ही तो विधवा के ना कुछ ना में कोई कमाई, अब कोई पेंशन कुछ भी नहीं वाला, कोई है ही कोई कमाई वाला ना है, कोई विधवा दो दिन लड़ाई कर रही पीपी के। हाँ दो दरुआ बढ़ रहा है सब जातियाँ ने हिरकोरी करके मार के ले जाए तो बोलिए पाइप दिखाइए, पाइप किधर है खराब? देखिए हम फिर बोल रहे हैं कि गांव में ढलाइया हुआ है, लेकिन लोग आक्रोशित हैं कि कैसे मतलब कि यहाँ पे भरण पोषण हो रहा है लोगों का। ये पाइप है सात निश्चय वाला, ये तो भोपू है जी, मैं बोलती तो इधर निकलता है नल? हाँ नल जाल है, 2-3 साल हो गया है अभी बैठा नहीं, पानी नहीं आवा को, कहाँ पानी आ रहा है? पानी यहाँ पे खुला है तो पानी आवेगा कैसे? पानी बीच गया है जहाँ तहाँ, बीच गया जहाँ तहाँ छोड़ दिया है बस। हाँ हाँ आगे चलिए ना, दिखाइए ना काका काम हुआ है, हम मुखिया जी काका काम करके ने देखिए ये जो है ढलाइया हो गया, अब इस पे पानी कैसे आएगा? पाइप बीच गया है लेकिन पानी अभी तक नहीं आया है, तो क्या किया जा सकता है? नाली भी नहीं बना हुआ है, कुछ नहीं बाबू यहाँ कुछ भी नहीं, नली गली कुछ भी नहीं, नली गली पैसा जैसे मुखिया सब मुखिया खा गया पैसा, नाली गाली साहब का बाथरूम बाथरूम साहब का खा गया मुखिया पैसा। मेरा गांव का हम दृश्य दिखाएंगे कि यहाँ पे काका हुआ है, एक बच्चा आ रहा है उधर से, लगता है कि कुछ काम बाबू ए सुनो 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 इधर कहाँ जा रहा है? मछली मारे जा रहा है? ए नहीं कुछ करेंगे, मछली मारे जा रहा है? मछली कहाँ जा रहा है? मारे नदी में। अच्छा पानी उनी आता है नल में घरे? नहीं ना आता है, देखिए हाँ दारू यहाँ बंद, दारू बंद, फोड़ लेते हैं दारू सागरो चालू है। देखिए ग्रामीण बोल रहे हैं, बोलते हैं कि यहाँ के चाचा बोल रहे हैं कि मुखिया भी दारू आता पी है। हाँ बहुत दारू पीता है सब, देखिए मुखिया भी दारू पीता है भाई, चाचा बोल रहे हैं। और भी ग्रामीणों का क्या क्या शिकायत है हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि उनका क्या क्या शिकायत है। चाचा क्या नाम हुआ? विनोद बिंद। विनोद बिंद यही गांव में घर हो? हाँ हाँ वो है छोटका टोला पर। अच्छा छोटका टोला पर। मुखिया जी काका काम किए 5 बरस में? 5 बरस में कौन काम किए, हमरा तो कुछ नहीं किए हैं अभी तक। नल जलावा को घरे? कुछ ना। तो मुखिया जी से शिकायत कहाँ नहीं करते आप लोग? करते हैं भैया कुछ नहीं करते, हाँ मुखिया जी नहीं मानते आपके बात? देखिए मुखिया जी बात, एक भैया युवा है क्या नहीं मैं कभी मुखिया जी था? हाँ दिए। क्या नाम हुआ? पाप हमको पूनम मांझी नाम है। पूनम मांझी हाँ, क्या बोल रहे थे बोलिए? पापा भी मारा, लकड़ी भी नहीं दिया, न पैसा दिया, गए थे एक बार नहीं 10 बार गए उसका। कुमारी का शादी हुआ था, उसको भी कुछ नहीं मिलता। देखिए तमाम प्रकार के समस्या है और मुखिया जी पर ये आरोप लगा रहे हैं चाचा थे कि मुखिया जी दारू पीने आते हैं सिर्फ गाँव में, विकास का काम करने नहीं आते हैं। और हम पूरा गाँव का दृश्य दिखाएंगे कि आखिरकार यहाँ पे काम क्या क्या हो। पेंशन क्या बोलते हैं, कॉलोनी उलनी मिला है आपको चाची?
झोपड़िए हो झोपड़िए ने हम नि रही हो झोपड़िए में रहो ई देखिए ई नल जल है ई नल जल योजना यहाँ पे मतलब कि पानी कैसा आता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं जितना नल का टोटी है सब के देखा वो जूम करके ये मुखिया जी मतलब कि 13 लाख रुपया सब खाना गया हाँ, सब खा गया पैसा बताइए मतलब कि धोकर देखिए ये महादलित बस्ती है इधर दिखाइएगा आप अति गौतम जी कि किस घर में यहाँ के जो दलित टोला के जो लोग हैं वो रहने के लिए तैयार हैं देखिए कैसे रह रहे हैं कि घर पर फूस भी नहीं है समझे देखिए ना कैसे हाँ भाई तो देखने का चीज है देखिए हम अंदर भी आते देखिए कितना छोटा छोटा मासूम मासूम बच्चा है और इसके अंदर कैसे लोग रह रहे हैं कैसे अपना जीवन का मतलब कि यापन कर रहे हैं वहाँ पे चूल्हा पे घर बनता है अच्छा आप लोग को गैस उस मिला कि नहीं कुछ ना मिलो हाँ उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस मिलता है ना मिला ना हमने के गैस उस कुछ ना पेंशन उनसन आता है आप लोग को ना वो बूढ़ा बूढ़ी के पारल है कोई के ना अच्छा दादी को भी नहीं आता है ना देखिए महादलित तो बस्ती है और इस घर का स्थिति क्या है इस ए दादी बाहर से आइए ना थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे कि हम ही आ जाए ना 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 आप ही आइए सो रहे हैं शाम का समय है अच्छा कान में दर्द है उनको समस्या लेकिन हम इनसे बात करेंगे कि मुखिया जी पिछले 5 वर्षों में का काम किए सबसे बड़ा समस्या है कि मतलब किसी भी सदी में रह रहे हैं इधर आइए ना दादी थोड़ा सा आपसे बात करेंगे तबीयत खराब है को तबीयत खराब है जैसे कि 5 साल हो गया मुखिया जी आपको कुल नहीं दिया नहीं जी नहीं दिया है नहीं दिया है वोट उठ मांगे तो ऐबे करेंगे फिर वोट तो मांग हर साल दे थी दो को वोट पर देखो घड़ी तो देवे कर अबरी मुखिया जी थुन वोट मांग जाए तो आपको पेंशन वगैरह मिलता है कुछ नहीं मिलता बाबू कोई चीज नहीं कोई चीज नहीं अबरी वोट देबू तो वोट ना देवान वोट वोट आपका अधिकार है लेकिन उसी उम्मीदवार को दीजिएगा जो आपका काम करे तो वोट रख ले रहा बाबू कैसे दे वोट दीजिएगा लेकिन सही उम्मीदवार को दीजिएगा जो कि आगे आपका सहायता कर सके एक दादा देखिए बैठा है वहाँ पे देखिए बेचारा कैसे रह रहा है देखिए कैसे रह रहे हैं कैसे इनका जीवन यापन हो रहा है एक दादा हैं ए दादा का नाम हो लो रामलखन मांझी रामलखन मांझी बहुत समस्या है हाँ खराब है कोल्ली उल्ली नहीं मिल रो है हैं कोल्ली नहीं मिल रो है मुखिया इधर गेलो कहियो जाहियो जेना देओ एकरी बहन के ना देखो का कहा को कहे तोरा मिला हो ले 25 बरस तो तोरा मिल लो हल सही में बड़ी दिन के है 14,000 वाला है 14,000 वाला अच्छा देखिए जी मिला था ये बना लिए हैं जो मिला था उसको बना लिया ना दादा जी लेकिन कृष्ण बल्लभ जी के समय में मिला था कृष्ण बल्लभ दादा दिलखु ना वो ही दिलथिन है ओकर बाद ना मिल ना उका ना पेंशन उंशन मिला को कुछ ना पेंशन भी ना मिला को उज्ज्वला योजना के तहत गैस के सिलेंडर मिल रहा है सबके मिल लो है कुछ ना अरे देखिए इनको कुछ नहीं मिला है इस घर में ये रहते हैं कैसे ये रहते होंगे देखिए खाट है खाट पे क्या समस्या है पंखा है इनके पास लाइन उन्ना है दादा देखिए लाइन भी नहीं है इनके पास मतलब कि 47 के युग में ये जी रहे हैं एक सोलर लाइट है ये चार्ज करते हैं और इसी से मतलब कि यहाँ पे काम चलाते हैं लेकिन इनके पास किसी पर मुखिया जी के पास जाते हैं तो आपको शिकायत नहीं सुनते हैं नहीं बोलो ना जी देखिए मुखिया जी के पास ये जाते हैं तो इनका शिकायत नहीं सुनते क्या बोल रहे थे दादी बोलिए क्या समस्या है समस्या तो यही बउआ की रोशन उशन मिला हरन जे सबके देल को अबरी हमनी के राशन में राशन भी नहीं मिला नहीं कोरोना में पैसा वैसा आया था नहीं कुछ ना कुछ ना तो मुखिया जी के पास आप लोग नहीं जाते हैं शिकायत करने जाते हैं तो सुनबे नहीं करता है तो क्या करे सुनबे नहीं जी थुथु रखी कि सुनबे नहीं करता है मुखिया जी थुथु रहे आप लोग जाते हैं तो कहा ना सुनते हैं कुछ भी ना देवे ना बूढ़ा पीर सिंह लिखा देंगे नाम तमता जारी कुछ नहीं ना दे रहा है ना कर रहा है गरीब के लिए मतलब कि एकदम आप लोग मरमाहित है ना हाँ देखिए यहाँ के बहुत सारे ग्रामीणों से बात किया सबका कहना है कि मुखिया जी यहाँ कभी आते नहीं हैं और आते हैं तो सिर्फ वोट मांगने आते हैं और दारू पीने आते हैं ये हम नहीं यहाँ के एक चाचा बोल रहे थे वहाँ पर कुछ और लोग हैं उनसे भी वार्तालाप करेंगे एक दुकान है यहाँ पे देखिए एक और घर है ये 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 नल पानी आता है राम जी एकदम भर भर के पानी फेंक रहा है देखिए ना जी ऐसे खाली नाली खुला है हैं बताइए ऐसा ही बैठा वाले सोहा में जी एरा में तो बुतरू आकर के बजा बजा हुआ होता है बुतरू बजा बता इसको कैसे बजाता है जी कैसे पानी आवेगा इसमें पाइप नहीं जुटा बताइए बाढ़ से दस कोना कुने आके
वार्ड सदर वहाँ पनहर के है, विष्णु बगीचा के। यहाँ के वार्ड सदस्य विष्णु बगीचा के है। ओहो, का चाचा का समाचार? ठीक है। मुखिया जी काम करके ने 5 साल में? 5 साल में कुछ ना करके है, कुछ ना कुछ ना। पानी नहीं आता है ना, फरमा काटा ना जरा सा, पानी नहीं आता है नल में ना है? कुछ ना नहीं। पेंशन उन्शन मिला को ना? कॉलोनी उलनी मिलो है ना? गाय सुस कुछ ना, कुछ ना। अभी मुखिया जी वोट मांगावे तो का करल जाए? जूता चढ़ावल जाएगा खुद। हम कहती है मार भी चप्पल से, पैसा बाकी है। आओ, आपका तो पैसा बाकी है, काम के हमको पैसा नहीं मिला है। देखिए एक और चाचा है, हम इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? नहीं नहीं, आधार कार्ड देखिए, फोटो लीज देखिए। नहीं इनको नहीं देगा पैसा, ना रे माधे चो तो नहीं देगा वोट के रे। आधार कार्ड दिखाइए आपका। क्या नाम हुआ? इनका नाम हुआ रामेश्वर मांझी। सामने से आप हट जाइए, सुनिए सुनिए सुनिए। ए चाचा, क्या समस्या है आपको? हमको घर फूटल है मान ली, घर नहीं है, घर नहीं है। मुखिया जी के पास गेलो? कौन मुखिया है? राजेश मिस्त्री का औरा। लकड़ी बेचाओ के बाले बच्चे के लगाओ पिल्ले है। नहीं खबरदार, अभी मुखिया के बाप के बात करूंगा। मुखिया के पिताजी से बात कीजिए। हाँ जी, एकदम पक्का करूंगा, पापा से, उसके पिताजी से। हाँ जी। आपको क्या क्या मिला 5 साल में? कुछ नहीं, एको घूम नहीं। वोट नहीं दिए थे? दिए थे सर। काहे नहीं मिला? अब देखो तो उसको वोट इंसान नहीं देंगे। नहीं दीजिएगा? नहीं सर। अच्छा, जैसे जैसे कि मुखिया जी अगर इस बार आ गए वोट मांगने तो आप क्या कीजिएगा? ये बनाया है वाके, रोड बनाया है। हाँ सर। नल जलावा को घरे ना? कुछ नहीं। नल जलावा को ना? इनका नाम हुआ रामेश्वर, इनसे नाम पूछे थे, बोले आधार कार्ड देख लो। इनका नाम है राजेश्वर होगा और मेरा रामेश्वर है मांझी होता है। हाँ सर। आपको मतलब कोई काम नहीं किया? नहीं कुछ नहीं किया सर। पेंशन उन्शन मिलता है? कुछ नहीं मालूम। रोजी रोजगार? कुछ नहीं सर। कमाते हैं बेचारा, रोज कमाते हैं खाते हैं। हाँ, उसका ही पास, उसी के पास। हाँ देखिए इनका अलग ही समस्या है। ये बोल रहे हैं कि अभी वोट मांगे तुम तो क्या करोगे? एको ना देवे, नहीं दीजिएगा बहन जी। हमको देवे नहीं के तो उसको मैं दो तीसरा बार नहीं जीतूंगा। दो बार जीता दिए। हाँ बस, अगला बार नहीं जीता, नहीं जीताऊंगा। देखिए अगला बार किधर आप बोल रहे चाचा, चलिए लेकर के आइए। कैमरामैन जी इधर आइए आप, देखिए नली गली का स्थिति दिखाइए। देखिए ऐसा, देखिए महादलित टोला है, जवान भाई मारा जो अभी तक दर्शन नहीं देने आया है। हमको पत्नी मारा, अभी तक दर्शन नहीं देने आया है, इसका जवाबी काम भी नहीं किया। देखो क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए ना, ललन। इधर इधर ललन। क्या नाम हो? बोला ललन। क्या करते हैं? मैं क्या करते हैं? सब खेती गृहस्थी। खेती गृहस्थी करते हैं? मुखिया जी 5 साल में क्या काम करते हैं? कुछ ना। अच्छा नहीं, क्या शिकायत है मुखिया जी? कुछ नहीं कर रहा है मुखिया जी, कुछ नहीं। पेंशन हो गया, राशन कार्ड हो गया, आधार का, क्या बोलते हैं कि कॉलोनी वगैरह मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिला है। देखिए सब एक दादी हैं, हम इनसे बात करेंगे, लगता है कि मरमाहित है एकदम पूरा। का नाम हो दादी? बसंती देवी। बसंती देवी, यही गाँव के रहे वाला? मुखिया जी पेंशन उन्शन दे खून? ना बाबू, हमारा ना मिलो। आपको पेंशन नहीं मिलता है? नहीं। मुखिया जी के पास गए कभी? 2-3 बार गए ना। तो का कहा खून? हमारा का तो मारिए नहीं, कहते ब्याह कर भी, बेटा मारिए गले तब फिर ब्याह कर भी। बोलता है कि उम्र नहीं है आपका? हाँ। वीडियो तो आप पहचानबो नहीं करते हो, कौन होगा वीडियो? नहीं का पता है बेटा। आप लोग मुखिया को वोट देते हैं, मुखिया को जानते हैं है ना? वोट तो कोई मुखिया सबको तो दे बेटा, तब देवे ना करे तो का करिए। अभी राजेश मिस्त्री है कि खुदागंज वाला, तो अलखुने तुहनी समझ से मिले कहो कि कौन डेथ कर गए थे? इंदल। आपके बच्चा डेथ कर गए थे तो मुखिया जी मिले उले अलखु ना? ना। कुछ अनुदान वगैरह मिलता है 1000-1500? कुछ न बेटा। देखिए कुछ नहीं इनको मिला है। उससे बढ़िया इधर आओ, क्या बोल रहे थे? हाँ चलिए आओ, आगे भी दिखाते हैं पूरा गांव का। हम जहां भी जाते हैं पूरे गांव का दृश्य दिखाते हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहां का स्थिति परिस्थिति क्या है। ये सब महादलित टोला है और यहां पे लोग मतलब कि छौनी छप्पर में रहने के लिए मजबूर हैं। देखिए फिर हम आ गए वहीं पे, एंडिंग हो गया। इसको देखा, वही मेन पॉइंट है, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ पर आकर के ख़त्म। एक आगे नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जो नल जल था वो सब खत्म हो गया। देखिए
कॉलोनी नहीं मिला भैया आपको? नहीं मिला है? नहीं भैया। आप लोग कौन से समाज से आते हैं? मांझी। मांझी समाज से का करा? कमाता खाते हैं। कमाते खाते हैं। तब मुखिया जी के पास गए कभी शिकायत लेकर के? नहीं। जाए के चाह लो ना? नहीं गेवे नहीं गए अभी। अभी नहीं अभी ना ना जे कहल कन काल हम गेले देखेवा। एक बार गए थे? हाँ। तो बोला कि अभी ना ना। ओहो तब रे इथुन वोट मांगे तो का करबू? का करन हमरा मिलबे नहीं करतन त हम जीवन देवन कुछ के वोट देवे नहीं जाइएगा ना। एक बहन जी है कुछ बोल रहे हैं। अरे बोलिए ना बहन जी, कुछ जो समस्या वही बोलना है। पीछे चूल्हा है, हम चूल्हा पे नहीं बैठेंगे। क्या नाम है आपका? सुहागी नाम है। सुहागी नाम है। यहाँ के मतलब कि पुतोह है कि बेटी है? बेटी। यहाँ के बेटी है। यहाँ से मतलब कि बरसों से यहाँ रह रहे होंगे, तो कभी कुछ सरकारी लाभ मिला है आपको? जैसे कि नल जल योजना तो नहीं है, मरले है। दूसरा हो गया पेंशन है, तीसरा हो गया कॉलोनी, ठीक है, चौथा हो गया उज्ज्वला योजना। अभी गैस उस मिलता मिला है आपको? ना मिला ना करो ना। कुछ नहीं मिला है? ना कुछ नहीं मिला है आपको? हाँ। हम अभी यहाँ पे मौजूद थे पनहर पंचायत के रसूली बिघा गांव में, और यहाँ के ग्रामीणों से बात किया कि मुखिया जी पिछले 5 वर्षों में क्या काम किए हैं। तो इन लोगों का कहना था कि मुखिया जी यहाँ पे 5 वर्षों में कुछ नहीं किया। जैसे कि आपने देखा भी, नल जल योजना था वो खत्म है, एको घर में पानी नहीं जाता है, एको घर में पानी नहीं जाता। नली गली भी आप देख लिए। हुआ सिर्फ एक काम है कि ढलैया करवाए हैं। अब ढलैया करवाने से किसी का पेट तो भरेगा नहीं, और वो भी अधूरे ढलैया। ठीक है, हम और भी कोशिश करेंगे आगे चलने का। हम ऐसे ही हर एक पंचायत के हर एक वार्ड में जा करके आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और आगे भी दिखाते रहेंगे। अगर हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।